स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम हिंदी का पाठ 11 पढ़ने जा रहे हैं, आदर्श और वरदान। ठीक है ना, इसमें हमें सीखने योग्य जो बातें हैं, पारस्परिक प्रेम, सहयोग व सहानुभूति के भावों को समझना, प्रतिभा को विकसित करना, अवसर प्रदान करना, तत्सम तद्भव देशज एवं विदेशी शब्दों का हमें इसमें ज्ञान होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पढ़ना। संध्या का समय था। दिन के थके हारे दीनानाथ शर्मा अपनी फैक्ट्री से घर लौटे। कमरे में देखा तो प्रवेश किया ही था कि मेज पर पड़े निमंत्रण पत्र पर निगाहें पड़ी। बरबस भी उस तरफ खींचे चले गए। लिफाफा खोलकर देखा तो आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता उनके चेहरे पर छा गई। छगन का निमंत्रण पत्र उसने नर्सिंग होम खोल लिया। उसके उद्घाटन का बुलावा लिफाफे पर प्रेषक के स्थान पर लिखा था, डॉक्टर छगन। वही छगन है जिन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि छगन डॉक्टर बन गया। वह अपनी नर्सिंग होम खोल रहा है। वे चार बार निमंत्रण पत्र पढ़ते लगे। विचारों में खोए दीनानाथ कुर्सी पर बैठ गए। मन में आया कि आत्मा के बंद दरवाजों को खोलने लगे। कैसे भूल सकते हैं उस लड़के को जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उनके प्राण बचाए थे। उन्हें याद आया कि वर्षा की पहली फुहारें धरती पर पड़ते ही वातावरण मिट्टी की सीधी सीधी नमी से भर गया था। बादल छाए हुए थे, वर्षा रुक गई थी, किंतु मटमैला पानी अभी भी गलियों में बह रहा था। बच्चे पानी में खेल रहे थे, गीली मिट्टी से घरौंदे थाप रहे थे। दीनू और रानी की पिताजी ने से घूमने जाने की जिद की। मना करने पर वे बच्चे नहीं माने तो शर्मा जी अनमने से बच्चों को साथ ले तालाब की तरफ निकल गए। गांव में घूमने की तो कोई खास जगह नहीं थी, बस मात्र एक तालाब था। तालाब की पाल पर बड़े बड़े बट वृक्ष इसकी पुरातनता की गवाही देते थे। एक मंदिर था, उसके पास भी बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। देश पर बैठ गए। दीनू और रानी बहते पानी में खेलने लगे। अचानक दीनू का पांव फिसल गया और वह तालाब में गिर गया। शर्मा जी ने यह देखा तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर पास ही में बैठे बकरी चराने वाला छगन दौड़ा आया। उसने दीनू को डूबते देखा तो तुरंत तालाब में छलांग लगा दी। पहले तो वह पानी में डूबता सा लगा, परंतु दूसरे ही पल पानी पर तैरता दीनू को खींचता नजर आया। हाँपता हुआ दीनू को किनारे खींच लाया। शर्मा जी का तो कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने सहारा देकर दोनों को संभाला। दीनू घबराया हुआ खड़ा था, छगन हाँफ रहा था। शर्मा जी ने छगन को सीने से लगाया और आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, आज तुमने ही दीनू के प्राण बचाए हैं, नहीं तो अनर्थ हो जाता। छगन ने शिष्टता से कहा, मुझे तैरना आता है। जब मैं बकरियां चराने आता हूँ, मैं इस तालाब में खूब तैरता हूँ। जैसे ही अपना नेक्स्ट पेज पे आई, आपकी चीख सुनी तो मैंने अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके सभ्य आचरण से शर्मा जी को बहुत प्रभावित हुए। प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा, तुम पढ़ने भी जाते हो बेटा? वह बोला, जी हाँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। फीस नहीं होने से पढ़ाई छोड़ दी, अब बकरियाँ चराता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? शर्मा जी ने पूछा। मेरा नाम छगन है और गांव के बाहर मेरा घर है, संकोच के साथ उसने कहा। अच्छा बेटा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हारी मदद करे। कहते हुए शर्मा जी ने दीनू को संभाला। दीनू अनहोनी से अब तक भयभीत था। घर पहुंचकर भी शर्मा जी उस घटना को नहीं भूल पा रहे थे। बार बार उस सहज सुंदर शिष्ट बालक का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता था। उन्होंने छगन की मदद करने का निर्णय लिया। प्रातः काल था, छगन बाजार जाने को तैयार हो रहा था। बाबा आंगन में खटिया पर बैठे थे, माँ घर के काम में व्यस्त थी। अचानक शर्मा जी की कार उनके घर के सामने रुकी। छगन को पहचानने में देर नहीं लगी, उसने आगे बढ़कर शर्मा जी के चरण छुए। आप कैसे पधारे? सकुचाते हुए छगन बोला। शर्मा जी ने चारों तरफ नजर डाली, घर के हालात समझते देर नहीं लगी। वे बोले, चलो आज से तुम भी दीनू के साथ स्कूल में अपनी पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं बहन करूँगा। छगन की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। अब तो छगन और दीनू पक्के मित्र
हो गए या बन गए। शर्मा जी सरकारी दफ्तर में अफसर थे, घर में सभी सुविधाएं थीं, दीनू की सेवा में नौकर चाकर लगे रहते थे। कहाँ दीनू और कहाँ गरीब किसान का बेटा छगन। पर मित्रता ऊंच नीच नहीं देखती है, हृदय की गहराई से एवं सच्चे मन से भी कई मित्रता की भी निस्वार्थ एवं निर्मल होती है। एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी बनकर ही मित्रता के आदर्श की स्थापना की जा सकती है। छगन और दीनू की मित्रता भी कृष्ण और सुदामा की मित्रता सी थी। सुख का समय शीघ्र व्यतीत हो जाता था, 3 वर्ष न जाने कैसे बीत गए। दोनों मित्र साथ बढ़ते पढ़ते पढ़ते खेलते खाते, दीनू के लिए छगन एक आदर्श बन गया और छगन के लिए दीनू एक वरदान। अचानक एक दिन यह समाचार सुनकर छगन उदास हो गया कि शर्मा जी का स्थानांतरण अन्य शहर में हो गया। दीनू भी उदास हो गया, आखिर मित्रों से बिछुड़ने की घड़ी आ गई। कितना रोए थे दोनों। नेक्स्ट पेज पे आइए। अतीत के बारे में सोचते सोचते दीनानाथ की आंखों की कोर कब गीली हो गए उन्हें पता भी नहीं चला। जब लुढ़ककर आंसू गालों पर आए तो दीनानाथ चौंक गए, जेब से रुमाल निकाला, चश्मा उतार कर आंसू पोंछे। इतने में रामू चाय ले आया। दीनानाथ अपने चेहरे पर उभरते अतीत के चित्र को देखकर रोकने का प्रयास करने लगे। चाय का प्याला उठाकर चुस्कियां लेने लगे, लेकिन मस्तिष्क में फिर मधुर स्मृतियां कौंध गईं। पिता बहुत खुश थे। पिताजी जब अखबार में छगन का परीक्षा परिणाम देखा तो बोर्ड परीक्षा की योग्यता सूची में प्रथम स्थान था। उसके मुँह से यही वाक्य निकला था, अगर अब छगन के सपने अवश्य पूरे होंगे, उसने छगन से मिलेंगी, वह खुशियां छगन से मिलेंगी, वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा। शायद पिताजी का आशीर्वाद ही है कि छगन डॉक्टर बन गया। आज छगन इतना समर्थ बन गया कि उसने रतनगढ़ में नर्सिंग होम खोल लिया। कितना लंबा समय गुजर गया छगन के बिछोड़ने के बाद। अचानक उभरी तस्वीर बार बार मन को उद्विलेखित कर रही थी। दीनानाथ को विचारों में खोया देखकर उनकी पत्नी मधुमति बोली, क्या बात है, आज आप बड़े सोच में पड़े हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कल हमें रतनगढ़ जाना है, मेरे मित्र डॉक्टर छगन क्लिनिक का उद्घाटन है। मुस्कुराकर दीनानाथ बोले, देखो यह निमंत्रण पत्र। मधुमति ने लिफाफे से निमंत्रण पत्र निकाला, साथ में कागज की चिट लगी थी। उस पर लिखा था, बाबूजी को जरूर लाना, उद्घाटन उनके हाथों से होगा। मधुमति ने पढ़कर चिट दीनानाथ को दी। उसने पूछा, दीनानाथ सुबक पड़े, काश आज पिताजी जिंदा होते। दीनानाथ की कार सरपट दौड़े जा रही थी, मन की तीव्र गति से मिलने की आतुरता में उड़ा जा रहा था। नियत समय पर वे रतनगढ़ पहुंचे। नर्सिंग होम के पास पंडाल लगा हुआ था, अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो चुका था। चारों तरफ हंसी खुशी का वातावरण दृष्टिगोचर हो रहा था। दीनानाथ की निगाहें छगन को ढूंढने लगीं। छगन तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था। कार से उतरते दीनानाथ को देखकर वह स्वागत के लिए बढ़ा। दीनानाथ एक क्षण भी ठिठके, लेकिन उन्हें छगन को पहचानते देर नहीं लगी। छगन 20 साल का इतना बदला हुआ दिखाई देगा उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सुंदर हष्ट पुष्ट शरीर, सूट पहने का चमकीली आँखें का चश्मा लगाए छगन उनके सामने आया। छगन कुछ बोले उससे पहले दीनानाथ ने उसे गले लगा लिया और मित्र इस भांति मिले जैसे राम और भरत का मिलन हो। क्षण भर तो ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। मधुमति स्तब्ध सी खड़ी रह गई। गदगद सुबह छगन ने पूछा, बाबूजी नहीं आए। दीनानाथ के होंठ फड़क कर रह गए, आंखों में आंसू आ गए। भर्राए गले से बोले, बाबूजी छोड़कर चले गए छगन। छगन अपनी रुलाई नहीं रोक पाया। इतने में ही छगन की पत्नी नीला ने अपनी आगंतुक का स्वागत करते हुए कहा, भाई साहब अब चलो भी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। छगन के अनुरोध पर दीनानाथ ने उद्घाटन किया। हंसी खुशी से समारोह संपन्न हुआ। मेहमानों ने जाने के बाद दीनानाथ ने भी विदा लेनी चाही, पर छगन कम मानने वाला था। आज वर्षों के बाद वे क्षण लौटे थे जिनका स्मरण कर दोनों मित्र एक दूसरे के ऋणी मान रहे थे। दोनों ने जी भर के बातें की, अपने सुख दुख सुनाए। 20 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद मिलन की सुखद घड़ियां लौटी थी। दीनानाथ को लौटना था,
छगन ने भारी मन से विदा किया। कोरताल की चिकनी सड़क पर कार जिस द्रुतगति से आगे बढ़ रही थी उससे भी द्रुतगति से मन बीते समय की उबड़ खावड़ पगडंडियों पर पीछे की ओर चला जा रहा था। गुजरे काफिले से गुबार की धुंध में खोए थे छगन की आंखें सजल हो गईं। स्मृति में उभरा अक्स मानो कह रहा था, मेरे चिराग को तुमने बुझने से बचाया, तुम्हारा घर सदैव रोशन रहेगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसको एक बार और पढ़िएगा। कितनी अच्छी कहानी है ना, इसको एक बार और पढ़िएगा। फिर अगले वीडियो में मैं इसके आपको अभ्यास कार्य को करवाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।